हाय गाइस, ऑनलाइन सीखे पर आपका स्वागत है। तो क्या गाइस, आपका फ़ोन भी स्लो चार्ज होता है? क्या आपको भी लगता है कि आपका फ़ोन बहुत देर में चार्ज होता है? तो आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा, जिसको अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका फ़ोन यहाँ पर फास्ट चार्ज होगा। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको यहाँ पर क्या करना होगा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मुनीर और आप देख रहे हैं ऑनलाइन सीखे। तो आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद जब गाइस आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, इस परमिशन को यहाँ से अलाउ कर देना है। एंड यहाँ से आपको करना है इसको बैक। बैक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एक और परमिशन मांगेगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ग्रैंट नाउ पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आप चले जाएंगे चार्जर मास्टर, आपको यहाँ पर ढूंढना है और इसको आपको अलाउ करना है, इसको ऑन कर लेना है। तो ऑन करने के बाद गाइस आना है यहाँ पर बैक। अब यहाँ पर गाइस आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन यहाँ पर ऊपर देखने को मिल रहा होगा ऑप्टिमाइज़ का। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यहाँ पर कुछ दिखा रहा है कि आपका फ़ोन यहाँ पर देर में चार्ज हो रहा है, यहाँ पर आपका बैड चार्जिंग शो कर रहा है। तो इसके लिए गाइस आपको क्या करना है, सिंपल इस ऑप्टिमाइज़ के ऑप्शन पर आपको कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइस आप इस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ सर आपकी सारी जितनी भी बैकग्राउंड में यहाँ पर ऐप्स वर्क कर रही हैं वो यहाँ से सारी क्लोज हो जाएंगी। इससे गाइस आपका यहाँ से फ़ोन बूस्ट हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, अब अपने यहाँ पर चार्जर को कनेक्ट कर लेना है। याद रखिए गाइस, आपको चार्जर को पहले कनेक्ट नहीं करना है, उसके बाद करना है जब आप ऑप्टिमाइज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पर जब ऑप्टिमाइज़ आपने कर लिया है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने चार्जर को प्लग इन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने चार्जर को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे गाइस चार्जर कनेक्ट करेंगे, आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट का। तो आप यहाँ पर देख रहे हो चार्जर यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर गाइस एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट का, तो सिंपल है, इस पर हम क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर ये फिर से एक बार इस तरीके से यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ कर रहा है और यहाँ पर आपको ये दिखा देगा कि आपका फ़ोन फास्ट चार्ज होने के लिए तैयार हो चुका है। इसके बाद गाइस यहाँ पर एक स्टॉप का ऑप्शन दिख रहा है, अगर आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप चार्जर मोड पर लगा है तो यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देना, क्योंकि यहाँ पर आपका फ़ोन अब फास्ट चार्ज होने वाला है। तो इतना करने के बाद गाइस आप इस ऐप को यहाँ से मिनिमाइज़ कर दीजिएगा और आपका फ़ोन यहाँ पर कुछ ही घंटे में यानी 1-1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। तो गाइस अब बात आती है इस ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है। तो सिंपल है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पर जाकर आपको एक लिंक मिलेगी, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो गाइस फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।